हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार वापस इस चैनल पर। और आज मेरे सामने खड़ी है टाटा नैनो। ये गाड़ी सबकी बहुत ही फेवरेट गाड़ी रही है। 2008 से लेकर 2018 तक इसका इतिहास रहा है। 2008 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और 2018 में इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। गाड़ी लॉन्च होने से पहले काफ़ी तरह के इसके नाम रखे गए थे। काफ़ी लोग बोलते थे, कोई तो बोलता था कि मिनी है, कोई बोलता था माइक्रो है, पर जब गाड़ी लॉन्च हुई तो इसका नाम टाटा नैनो रखा गया और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी। आज भी ये गाड़ी मार्केट में मिल जाती है तो लोग इसको चूकते नहीं, क्योंकि सिटी ड्राइविंग के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है ये। इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी गाड़ी है, तो सिटी पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही कम्फर्टेबल और परफेक्ट गाड़ी है ये। इस गाड़ी की बात करें तो बहुत ही शानदार गाड़ी है। इसका आगे का लुक जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल ही अलग ही है। टाटा X3 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही उसके ऊपर गाड़ी डिज़ाइन की गई है। शुरुआत करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से, तो पहले बात करते हैं इसकी की से। कुछ इस तरह की इसकी चाबी मिलेगी, बिल्कुल सिंपल है, कोई बटन वगैरह कुछ भी नहीं है, इस तरह की चाबी मिलेगी इसमें। अब बात करते हैं गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की, तो फ्रंट से अगर जब देखते हैं तो गाड़ी बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लगती है। चारों तरफ से एक बार हम गाड़ी को देख लेते हैं कि गाड़ी कैसी है। इस तरह देख सकते हैं आप, कुछ साइड से अगर देखेंगे तो गाड़ी इस तरीके से लगती है। इसका पीछे से भी देख लेते हैं, 360 डिग्री व्यू इसका ले लेते हैं हम। बहुत ही प्यारी और कंफर्टेबल गाड़ी है ये। बात करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आप देख सकते हैं ये है इसकी, ये इसका हैलोजन हेडलैम्प है, हेडलाइट्स हेडलैम्प्स, और ये इंडिकेटर्स हैं। नीचे इसके देखेंगे तो ये बॉडी कलर बम्पर आपको मिल जाएंगे। इसमें फॉग लैम्प्स ना तो मिलेगा, ना इसमें ग्रिल मिलेगी, क्योंकि जो इसका इंजन है वो बैक साइड में, रियर इंजन है, पीछे इंजन लगा हुआ है, इसलिए ग्रिल भी पीछे की तरफ मिलेगी। और ये गाड़ी जो है रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, इसलिए इसका इंजन भी पीछे मिलेगा। आगे से देखेंगे तो ये आगे टाटा की बैजिंग है। ये वाइपर इसमें सिंगल वाइपर मिलेगा, क्योंकि छोटी गाड़ी है, कांच बड़ा वाइपर लगा हुआ है तो पूरा ये आगे से आगे पूरा कवर कर लेगा, काफ़ी बड़ा वाइपर है इसका। फिर बात करते हैं गाड़ी के ओवरवेम्स की। चूँकि ये LX मॉडल है, इसमें बोथ साइड बॉडी कलर ओवरवेम मिलेंगे। अंदर से इंटीग्रेटेड एडजस्टेबल नहीं है, ये बाहर से ही कांच खोल के जो साइड के मिरर है उनको ओपन करके उसके बाद हाथ से ये मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी है, आप वापस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। इसकी टायर साइज़ की बात करें तो 12 इंच के टायर हैं इसमें। छोटी गाड़ी है इसलिए टायर साइज़ भी काफ़ी बहुत ही छोटा है, 12 इंच टायर हैं। यहाँ पे इसके साइज़ देख सकते हैं टायर की साइज़ की, तो 145/70R12 ये टायर साइज़ है इसका। साइड इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल इसमें है। बात करते चलिए गाड़ी के ऊपर, ओपन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। चलिए अब अंदर बैठ के देखते हैं कि इसका अंदर का क्या नज़ारा है। ये है रियर व्यू मिरर, वैनिटी देख सकते हैं, ये यहाँ से साइड होल्डर इसको पकड़ सकते हैं। स्टीयरिंग इसका आप देख सकते हैं, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, इसमें एसी है, इसमें एसी वेंट्स हैं। डोर अगर विंडो की बात करें तो यहाँ डोर पे आप देखेंगे तो डोर पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेंगे। इसका सारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे फ्रंट के जो दोनों विंडोज़ हैं वो पावर विंडोज़ हैं, यहाँ से आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये लाइटर के लिए दे रखा है पर इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। म्यूजिक सिस्टम जो कि बाहर से लगता है, इसलिए इसके यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगा हुआ है। फोर गियर बात करें तो ये फोर गियर है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और रियर। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। एक बार चाबी इग्निशन ऑन करके देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये। स्पीडोमीटर दे रखा है, बैटरी का ये अच्छा है। इसमें ग्लोव बॉक्स तो इसमें अलग से नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया गया डैशबोर्ड में, आप देख सकते हैं, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। ये लैंप है, अभी बंद हो गया। आइए बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड कुछ इस तरीके से है। फोर सीटिंग कैपेसिटी है इस गाड़ी की। अब इसकी बात करें तो ये इसका आप देख सकते हैं सीटिंग कैपेसिटी, इसकी सीटिंग जो देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे नी रूम देखिए,
काफ़ी अच्छा गैप है लेग रूम और साथ में जो हेड रूम है काफ़ी यही है इसका रेन रूफ है, काफ़ी स्पेस है इसमें आप देख सकते हैं, आराम से 3 जने भी बैठ सकते हैं, वैसे खूब जगह है इसमें, खूब जगह है। पीछे की जो विंडोज़ है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है, आप यहाँ से ओपन बंद कर सकते हैं। ये पूरा फैब्रिक है, ये अंदर प्लास्टिक है, पूरा पूरी मेटल बॉडी है गाड़ी की, जो बॉडी है पूरी, ये पूरी बॉडी देख रहे हैं पूरी मेटल है, सिर्फ बम्पर्स को छोड़ के। काफ़ी अच्छा स्पेस है, वापस एक बार देख आप यहाँ से देखेंगे 6 फुट का आदमी इस गाड़ी में आराम से बैठ सकता है, काफ़ी स्पेस है। इसका लेग रूम और जो हेड रूम है बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही कम्फर्टेबल गाड़ी है। बूट स्पेस की बात करें तो क्योंकि गाड़ी पीछे से नहीं खुलती है, इसका इंजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंजन बैक साइड में दिया हुआ है, 94 लीटर्स का बूट स्पेस है करीब करीब। आइए वापस अब पीछे से बात कर लेते हैं। बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके से लगती है, ये टाटा की बैजिंग है, नैनो एलेक्स ना एलेक्स की ये बैजिंग है। उसके बाद बात करते हैं नीचे, ये जो ग्रिल देख रहे हैं बम्पर नीचे, यहाँ पर इसका इंजन है। इंजन की बात करें कैपेसिटी की तो 624 सीसी का इसका इंजन जो है वो मिल जाएगा, 2 सिलेंडर गाड़ी है ये और 35 Nm का BHP की पावर जनरेट करती है और 48 Nm का टॉर्क ये पैदा करता है। एवरेज जो है जहाँ तक बात करें इस गाड़ी की तो 28 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति लीटर का इसमें एवरेज माइलेज हमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। और 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है तो माइलेज अच्छा है, इसलिए टैंक भी छोटी गाड़ी से टैंक कैपेसिटी भी लिमिटेड ही दी गई है। बहुत ही अच्छा एवरेज है गाड़ी का, सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। ये पीछे एग्जॉस्ट है इसका और नीचे से पीछे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से गाड़ी लगती है। ये देखिए आप एग्जॉस्ट के नीचे से आप ये फ्यूल टैंक और पीछे का नीचे से पूरा आप देख सकते हैं इस तरह से गाड़ी लगती है। बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो 180 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ये गाड़ी जिस तरह से डिज़ाइन की गई थी बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई थी, छोटी है इसके बाद भी अंदर इतना अच्छा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, वाकई में ये बहुत ही तारीफ़ काबिल वाली बात है। अब बात करते हैं इसके आगे बोनेट की तो बोनेट खोलते हैं यहाँ से, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं तो बोनेट कहाँ से खुलता है, बोनेट आगे का जो है यहाँ से खुलता है, ये बस को ओपन करके देखते हैं। नीचे यहाँ लॉक दिया होता है, बोनेट खोल के आगे से कुछ इसका अंदर का जो हिस्सा वो ऐसे दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये AC का है, यहाँ से AC के हवा अंदर जाती है, स्पेयर व्हील का जगह यहाँ पर दे रखी है, साथ में ये पेट्रोल का कैप जो है यहाँ पे बोनेट खोल के भरना पड़ता है। काफ़ी लोगों को टाटा नैनो के बारे में पता नहीं होता है कि पेट्रोल कहाँ से भरा जाए, तो पेट्रोल जो है यहाँ से भरा जाता है बोनेट खोल के, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देख लें। और ये है इंजन ऑयल, यहाँ से भरा जाता है, ये है, बाकी इसमें ऐसा कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं है क्योंकि इंजन पीछे से आगे से यही है। चलिए बोनेट को वापस बंद कर देते हैं, ये बंद हो गई। तो दोस्तों गाड़ी कैसी लगी और आपकी कैसी ये गाड़ी, आपके आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, अगर आपकी भी फेवरेट है और आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ है कार है जो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का काफ़ी अच्छा काफ़ी इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इससे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली जो भी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दे अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड जय हिंद।